शेखर पांडे जी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं टीजीआई द ग्रेट इंडियन होटल एंड रिसॉर्ट्स के। तो आज हम उनसे जानेंगे टीजीआई से रिलेटेड कुछ बातें कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई है और इसके सारे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स कहाँ पर हैं और फिलहाल जो पैंडेमिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्या फर्क पड़ा है इस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में। वेलकम सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि द ग्रेट इंडियन होटल्स, इसके कई सारे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स हैं जो देश भर में फैले हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पर ये हैं और किस तरह से ये रन किए जाते हैं? दीक्षा जी, हम लोग टीजीआई होटल्स के नाम से पूरे देश में होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में काम करते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग पूरे देश में 18 होटल ऑपरेट कर रहे हैं। हम 18 होटल्स में अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं या हम उस होटल को डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं या उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है टीजीआई होटल्स का, ये बैंगलोर में है। पूरे हमारा सेंट्रलाइज जो सेल्स ऑफिस है वो बैंगलोर में है। हम लोग बैंगलोर से इसको ऑपरेट करते हैं। इसका रीजनल ऑफिस इंदौर में है। हमारा सबसे स्ट्रांग प्रेजेंस वो कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। हम लोग आज यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, ये टीजीआई की वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है जो निर्वाणा रिसोर्ट के नाम से भी इंदौर में काफ़ी पॉपुलर है। ये हम इसको टीजीआई ग्रैंड निर्वाणा के नाम से इसको हम ऑपरेट करते हैं। और आप देख रहे हैं इसके लग्जरी रूम्स वगैरह, हम जो ये रूम्स का जो स्टैंडर्ड्स है, जो हमारा हम लोग इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर्टी को पूरे एक वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड इंडस्ट्री नॉर्म्स के नाम से उसको चलाया करें, और वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ भी ऑपरेट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में आप काफी टाइम से हैं, तो आपने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की और मतलब क्या सोच के कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जाना है, करियर कैसा रहेगा और कैसे दिमाग में आया कि इस सेक्टर को चुनना है? देखिए, इंडस्ट्री में मैंने होटल मैनेजमेंट आज से 24 साल पहले 1996 में मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया था और मैंने अपनी डिग्री IHM भोपाल से ली है। 99 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, इंदौर से स्टार्ट किया था। इंदौर में सयाजी होटल से मैंने एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग अपना कैरियर शुरू किया था। क्या सोच के लिया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा 24 साल बाद थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो सकता है, पर डेफिनेटली जब मैं 1996-90s के डिकेड में जब इंडिया की इकोनॉमी एक बूम पे आ रही थी, तो उस समय होटल इंडस्ट्री एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर के रूप में उभर रहा था, इसलिए मैंने इस सेक्टर को चुना था। और 21 साल में, अगर मैं कुछ कोरोना पीरियड को भी काउंट, 21 साल की मेरा जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, भोपाल और अलग अलग शहरों में जो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, तो एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है। बहुत ही इंटरेक्टिव इंडस्ट्री है, एक दूसरे से मिलने जुलने वाली फील्ड है, तो ये मेरा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है सो फार। हर फील्ड का कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है, तो इस फील्ड में भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिला जो बहुत डाउन रहा हो या बहुत अप? ये जब 99 में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा था, वो एक 99 एक जो ईयर था वो काफ़ी हैपनिंग ईयर था। उसी 99 में जब हम लोग IHM से पास आउट होके आ रहे थे, तभी कारगिल वॉर हुआ और फिर वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में लाइक पाकिस्तान में भी एक इशू हुआ था, उसमें परवेज मुशर्रफ भी आ गए अचानक, उन्होंने टेक ओवर किया। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी स्टेबिलिटी का कमी था, उसमें बार बार गवर्नमेंट आ रही थी जा रही थी, तो बड़ा चैलेंजिंग ईयर था। उसी साल से हमारा इनफैक्ट वही एक इंडस्ट्री का एक बड़ा लीन पीरियड था। उसके बाद सेकेंड जो हमने एक बड़ा स्ट्रगलिंग फेस फील किया वो था 2008 में, जब वर्ल्ड पूरे ग्लोबल रिसेशन आया। लेकिन ये छोटे मोटे एक बोल सकते हैं इसको, एक छोटे मोटे हिचकोले हैं जो हर फील्ड में आते रहते हैं। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री ने सफ़र किया है वो जो अभी कोरोना में सफ़र किया है, ये एक अनप्रेडिक्टेबल झटका है जिसको हम आज से एक साल दो साल पहले सोचना बड़ा मुश्किल था। बाकी तो अप्स एंड डाउन्स उसके पहले जो भी है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अहम रोल है, तो फिलहाल चल रहे पैंडेमिक की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और मतलब ये सेक्टर काफ़ी डाउन हो गया है, सारे सेक्टर डाउन हुए हैं, साथ में हॉस्पिटैलिटी पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट निकल कर सामने आया है और पैंडेमिक की वजह से क्या रिजल्ट सामने आए हैं? देखिए, कोरोना पैंडेमिक के बाद जो ये जो लॉकडाउन हुआ है, जो एक साल में जो भी घटनाएँ घटी हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो
डेफिनेटली इम्पैक्ट सभी सेक्टर में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो रहा है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी में कई बार एक आम भाषा में बात करते हैं, लोग सोचते हैं ये होटल्स में फ़र्क पड़ा है, रेस्टोरेंट में फ़र्क पड़ा है। आप इसको देखिए, इसमें कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, नाइट क्लब हैं, पब हैं, रिसोर्ट्स हैं, वेडिंग गार्डन्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वेडिंग गार्डन से जुड़े हुए डेकोरेशन वाले हैं, उनसे जुड़े हुए इवेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं, जिनका सब कुछ, सब लोग उनके परिवार हैं। इसके अलावा इस सभी अलग अलग जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनके ऑनर्स हैं। आप देखिए, सबको एक भारी मात्रा में इसमें फ़र्क पड़ा है। एक तकरीबन ये आकलन है कि ये इससे इतना जो पूरा सेगमेंट है, करीबन इसमें से डायरेक्टली या अनडायरेक्टली 15 से 18 करोड़ लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इट इनफैक्ट मोर देन 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो उन सभी को इससे फ़र्क पड़ा है। एक जो CII का एक फिगर अभी बीच में आया था, इसके हिसाब से जो टोटल टूर इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो करीबन 5 लाख करोड़ का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसमें जो टूर ऑपरेटर्स हैं, एक में एक बड़ा, अब देखिए इंडस्ट्री धीरे धीरे नॉर्मल तो होगी, लेकिन इंडियन जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको सीधा सीधा 50,000 करोड़ का नुकसान होता हुआ अभी एक फिगर आ रहा है। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इस सेक्टर से आज की तारीख में जो डायरेक्ट लोगों को रोजगार पे फर्क पड़ा है, करीबन मेरे हिसाब से जो हमारे पास जो फिगर्स हैं वो करीबन 2 करोड़ लोग इससे का जॉब जाने का इससे एक आंकड़ा निकल के आ रहा है। ये फिगर ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, पर करीबन 2 करोड़ लोग इस पर जो डायरेक्टली इस एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए थे उनका जॉब जाने का खतरा इसमें है, या आप बोल सकते हैं जॉब जा चुका है। ये इम्पैक्ट तो बहुत गहरा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम धीरे धीरे इसको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले काफ़ी वक्त से मतलब पूरा देश एक तरह से बंद था, देश क्या दुनिया ही बंद थी, और इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिलहाल वेडिंग का टाइम शुरू हो गया है, तो होटल्स एंड रिसॉर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, लोगों ने फंक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब इस वजह से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो कर पा रही है और कितना ग्रो करेगी आपके हिसाब से? इसका एक आंसर देने के पहले ना, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट कल ही मेरे साथ हुआ है। मैं जयपुर में था, मैंने कैब लेके जा रहा था, कैब ड्राइवर से मैंने एक बड़ा इनफॉर्मली पूछा कि ये सीजन कैसा जा रहा है तुम्हारा, तो उसने बड़ा, आई थिंक दिसंबर, मिड ऑफ द दिसंबर, आधा दिसंबर खत्म हो चुका है, बोला सर ये पूरा दिसंबर चला गया है, हमारे घर में खाने का दिक्कत आ रहा है हमें, और दिन में एक या दो, वो एक मैंने एक उसको कैब बुक करी थी, मतलब एक या दो राइड आती हैं जो दिन में, उसके पास जो सुबह से लेकर रात भर चलती थी दिसंबर में। आप देखिए जयपुर और ऐसे जैसे जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं उनमें एक उसका दुख आया सामने निकल के, लेकिन एक बात मैं इसमें कहूँगा, जैसे हर रात के बाद एक सवेरा होता है, जो भी डाउनफॉल है, जो भी इंडस्ट्री में जो हमने अभी फेस किया है, वेडिंग सीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा गया है, शादियाँ बुक हुई हैं, एक इस ये वाला जो सेगमेंट है, मैंने आपको बताया जो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं होटल्स के, ये सेगमेंट को एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। सबसे अच्छी बात है कि जो रेस्टोरेंट मूवमेंट चालू हो गया है, होटल्स में उन्होंने जो सैनिटाइजर्स के जो गाइडलाइन है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। डेफिनेटली ये अभी भी बिजनेस प्री कोविड लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा है, आई थिंक अभी भी हम लोग, अगर मैं ये वेडिंग पीरियड हटा दूँ तो करीबन 30% का ही प्री कोविड लेवल अभी आया है, लेकिन जिस तरह का आगे मूवमेंट आ रहा है, जिस तरह का वीकेंड में बिजनेस अभी आता हुआ दिख रहा है, या अगला वेडिंग सीजन, अगली बुकिंग जिस तरह से हो रही है, एक बार थोड़ा सा ये सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, जिस तरह फ्लाइट एक्टिविटी चालू हो रही है, ट्रेन वापस आ रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिवली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बिजनेस इंडस्ट्री में वापस आ जाएगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी अफेक्ट हुई कोरोना की वजह से, और अब वैक्सीन आ चुका है, मतलब हम करीब हैं कि शायद अब कोरोना से हमें छुटकारा मिल जाएगा वैक्सीन आने के बाद, तो आप क्या देखते हैं कि ये सेक्टर कितना ग्रो करेगा? देखिए ये बिल्कुल सही आपने है कि हम वैक्सीन भी आने की कगार पर है और लॉकडाउन भी बहुत लिमिटेड और फेस टू फेस में चल रहा है। हम अगर बात करें कि हम आफ्टर कोरोना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का क्या रूप होगा, डेफिनेटली रूप काफ़ी बदला हुआ है। आपको कैपेसिटी अपनी घटानी पड़ रही है, कई जगह आपने जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसकी कैपेसिटी आपको घटानी पड़ रही है,
आपको वेडिंग्स जो हो रही हैं, लोग उस जो ह्यूज वेडिंग जो कैपेसिटी उसमें थोड़ा लोग कटौती कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब एक बार चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, वापस सभी परिस्थितियां पहले जैसी हो जाएंगी लोगों में, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इसको कि आपको इसका सोल्यूशन सबको समझ में आ गया है, मुझे गैप लोगों से गैप रखना है, कैसे इसको इससे बचा जा सकता है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इसमें कुछ डाउनफॉल अभी चलने वाला है हम, लेकिन सभी होटल में और जो हम होटल ऑनर्स में हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी उसी हिसाब से अपनी कॉस्टिंग को भी थोड़ा कम करके चल रहे हैं, हर पैरामीटर पे कॉस्टिंग को कम करके चल रहे हैं, चाहे वो कंजम्पशन में है या दूसरी चीज़ों में है। तो इंडस्ट्री आफ्टर दिस कोरोना बदले हुए फेस में है, थोड़ा कंट्रोल्ड है, ज़्यादा हाइजीन की ओर ज़्यादा ध्यान है बजाय बनस्पत दूसरों चीज़ों के, थोड़े नए नए सेगमेंट निकल के आ रहे हैं, जैसे बिजनेस में हम जैसे रेस्टोरेंट्स के साथ में क्लाउड किचन का मॉडल नया नया निकल के आ रहा है, जिसमें लोग टेक अवे फूड की ओर ज़्यादा झुकाव आ रहा है। तो इंडस्ट्री बदले हुए फेस में रहेगी, लेकिन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और आई थिंक 1-1.5 साल तक ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप रहेगा, उसके बाद हैबिचुअल भी लोग हो जाएंगे और वापस पहले जैसा हो जाएगा। स्टार्ट फिलहाल जैसे आपने कहा वेडिंग का सीजन शुरू हो चुका है और जो गाइडलाइंस आई हैं कोरोना की उसे लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू नॉर्मल कह सकते हैं हम इसे, तो ये सेक्टर इस चीज को कैसे अपना रहा है और लोगों का इस पर कैसा रिस्पांस है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है एंड जितने भी गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ने दी है, तो आप लोग उसे कैसे अपना रहे हैं और पब्लिक उस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है? देखिए जो गाइडलाइन पब्लिक फोरम पे हैं और जो गाइडलाइन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रशासन की ओर से जो अनिवार्य कर दी गई हैं वो तो सभी होटल वाले उसको ऑपरेट फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना ही पड़ेगा उनको। देखिए फॉलो नहीं करना मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप होटल चला रहे हैं, अगर आप उसमें अगर आप होटल को टाइम टू टाइम सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप उसको उसमें मास्क कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप नहीं कर रहे तो आप होटल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो होटल सभी होटल्स जो इसको अपने ड्यूटी समझ के इसको फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे थे वो भी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सबने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक के लिए भी या एक आम आदमी के लिए भी बड़ा नया तरह का लाइफ स्टाइल है कि होटल में जा रहा है वो मास्क लगा के जा रहा है, वो शादियों में जा रहा है वो मास्क लगा के जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों के एक लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे मिलता घुलता जा रहा है, उनको इसके फायदे समझ में आ रहे हैं। और जहाँ तक होटल ऑपरेटर की बात है, उनको उनको इसको अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है और उनको वो अपना रहे हैं। जाते हुए आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी दर्शकों के लिए भी और युवाओं के लिए भी कि इंडस्ट्री काफी इम्पैक्ट पड़ चुका है कोरोना की वजह से इस पर, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा इसी चीज में लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें काफी मार झेलनी पड़ी, और आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं तो आपने काफी सारी चीजें देखी हैं, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल कोरोना ने जितना अफेक्ट डाला है इस इंडस्ट्री पे उतना शायद पहले नहीं हुआ होगा, बट इतना असर नहीं हुआ। तो कोरोना के बाद जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से इसमें काम करना चाहिए और उनके लिए इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए इसके बाद जो लोग जो भी युवा है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो होटल व्यवसाय को एज ए अपना में उतरना चाह रहे हैं, उतर चुके हैं, बिल्कुल नया नया उतरे थे, एक बात समझना पड़ेगा, इसको बड़ी गंभीरता से चलाने की ज़रूरत है। एक हमने दौर देखा अभी पिछले कुछ सालों में कि एक मशरूम जैसे जगह जगह छोटे छोटे होटल्स खुलने शुरू हो गए या छोटे छोटे आउटलेट शुरू खुलने शुरू हो गए, एक नॉन सीरियसनेस की ओर इंडस्ट्री का नॉन सीरियसनेस दिख रहा था कि किसने कुछ भी होटल बना लिया, छोटा सा कमरा बना दिया, उसमें ऐसा बना दिया। देखिए हर इंडस्ट्री का, हर बिजनेस का एक प्रोसीजर होता है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करिए, उसके जो हाइजीनिक जो उसके प्रोसेस जितने SOPs हैं फॉलो कीजिए, अच्छी प्रॉपर किसी अच्छी चेन है, अच्छे कंसल्टेंट चेन से टाई अप करिए, अच्छे कंसल्टेंट से जुड़िए, आप प्रॉपर एक अच्छे आर्किटेक्ट को हायर कीजिए, सीरियस तरह से होटल बिजनेस में उतरिए, ना कि इसको एज ए टाइम पास और बहुत लाइट मोड में उतरे हैं इसको, बिकॉज होटल इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बड़ा कॉस्ट ओरिएंटेड सेक्टर रहा है, इसमें कॉस्ट भी अपने आप में कॉस्ट इट्सेल्फ पे प्रॉफिट रहता है, बिकॉज आपकी कॉस्ट थोड़ी सी आपका बिजनेस लापरवाही होती है, आपकी अचानक वो आपका जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो लॉस बदल जाता है।
तो सीरियस बिजनेसमैन के लिए इंडस्ट्री आज भी पहले जैसी है, उनके लिए बस एक तरह से मान लीजिए उनको 2020 भूलना पड़ेगा, एक तो हम 20 हटा देते हैं तो ये पहले जैसे ही है। नए एंटरप्रेन्योर के मैं तो बोलूँगा एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, उनको बहुत ही अच्छे लेवल पे चीज़ें अवेलेबल हैं, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है, तो आई थिंक एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नए इन्वेस्टर्स के लिए, नए बिजनेसमैन के लिए जो होटल में उतरना चाहते हैं। उतरिए, सीरियस ढंग से होटल चालू करिए, इसको हल्के से मत लीजिए, और आई एम श्योर कि ये आप 2 साल बाद आई थिंक ये इस लेवल, आज के लेवल से 2 साल बाद मैं इसमें बहुत बड़ा जंप मुझे दिखाई देता है। कोरोना के बाद लंबे समय के बाद हम आए हैं आपके लिए कुछ नई चीज लेके। आज हम खड़े हैं TGI ग्रैंड निर्वाणा में, जहाँ पर हमने मिस्टर मनीष शेखर पांडे जी से बात की और उनसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बारे में जाना। आप देख सकते हैं इसका गार्डन बड़ा ही खूबसूरत है, जहाँ बैठकर आज हमने सर से बात की है और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी ली है, और साथ में इसमें होने वाली ग्रोथ और नए स्टार्टअप्स के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है उसके बारे में भी जाना है। तो ये सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीक्षा जी, नमस्कार, थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.